हमारे हम गौरी शंकर तोरे बाप। अब तो हो चुकी गड़बड़, अब तुम ना संभाल बाबू में। भैया प्रणाम। चलो इसको यहां से। जी अब तुम भी खड़े हो जाओ। चलो यहाँ गा दामाद बने पड़े हो, चलो खड़े हो जाओ। तुम्हारी जान जाने वाली थी आज, हमने रोक लिया। हमने कहा रुको कुछ दिन के बाद जाना, धन्यवाद दो हमारा। सुनो रणविजय सिंह, ये तुम अपनी नेतागिरी कोनो और क्षेत्र में जाके करो, हमारा आशीर्वाद है बहुत आगे जाओगे। लेकिन आज के बाद अगर यूनिवर्सिटी में बिछड़ों का झंडा उठाया तो क्या हुई बाबू साहब? तो कम कर दिए जाओगे? दो मिनट का मौन होगा तुम्हारी याद में, तुम्हारी पार्टी के दो चार लौंडे आके गाना माना गा देंगे कि चलते चलते मेरे गीत याद रखना। और क्या होगा बे? और क्या होगा है? नेशनल हॉलिडे होगा कतुरी याद में? चलो चलिए चलिए चलिए। और सुनो रणविजय सिंह, चुनाव तक तुम्हारी छाया नहीं चाहिए इधर, हाँ? नहीं तो हमको पता है कि तुम्हारा गांव कहाँ है। चलो चलो चलो, बहुत हुआ व्यायाम। सुना है निशानेबाजी का कंपटीशन चल रहा था वहाँ? कहाँ भैया, एक एफआईआर तो किए थे बस। हम कहाँ कहे थे फोन पे? गोली चलाने को मना किया था ना हम? भैया कन्नल गन से दौड़ा रहे थे, अब यूनिवर्सिटी के अंदर घुस गया, क्या करते? छोड़ देते क्या उसको? अबे छोड़ देते साले को, आज मार देते कल मार देते, ये बवाल तो ना उठता ना। अरे भैया माफ करो आप लोग, हमको आपके जैसे गुंडे बदमाशों की जरूरत नहीं है हमको अपने साथ। कैसी बात? हम आपके अरे ना, अरे नहीं, हम अरे भैया क्या है, पाप चढ़ा है भैया। अबे पाप गया तेल लेने, वहां सरकार में क्वेश्चन उठ गया, क्या जवाब देंगे हाईकमान को? क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन समझते हो, विधानसभा होता है लोकसभा होता है, जहाँ जाना है हमको। तो भैया जाना है ना आपको? नहीं ना, जाने देना, पकड़ के रख लो साले। अरे भैया भैया जाना है भैया आपको, नहीं संभाल के रखो साला, दो साले इसी शहर में तो ना हो तो एक मंदिर बनवा दो हमारा, पूजा करो रोज। भैया देखिए इसी चक्कर में नाटे का कान फट गया, जैसे उधो वैसे भान, ना इसके चुंदाई ना इसके कान। लेकिन भैया रणविजय को भैया नहीं छोड़ेंगे एकदम, भैया उस साले को हम बर्बाद कर देंगे साथ में मेरा काम पहले। हमने कब कहा कि छोड़ देंगे उसको, हाँ? मारेंगे जरूर, पर यहाँ नहीं, किसी दूसरे शहर में, समझे? और तुम इसे चलवाएंगे गोली, तुम ही चलाना। नमस्कार नेताजी। देख देख सामने से कन्या आई। चुप है, एक्सक्यूज मी। I'm sorry. It's okay. Myself Badri Shankar. I'm younger brother of current president of university. If you please, you can give me boat and I can give you class on time, examination on time, neat and clean university. Okay. Thank you. Thank you. क्या बात कर रहे थे बेकन्या से? सपोर्ट मांग रहा था, लड़कियां भी तो वोट डालती हैं। तुम इलेक्शन जीतने में इंटरेस्टेड नहीं लगता हमको, सिर्फ इसी लड़की का वोट मिल जाए यही बहुत है तुम्हारे लिए, ऐसा लगता है। मान लो रास्ता में तुमको रणविजय मिल गया तो क्या करो?
अगर दिख गया तो खत्म कर देंगे। हाँ। और उसे पता है ये। हाँ। इसलिए तो साला भागा हुआ है यहाँ से। संभल के संभल के जवान, चलो बोलो जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। चलो 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 चलो, सुनो जय भारत। आ गया, अब हॉस्टल में थाली घुमाने का टाइम आ गया है, थाली घुमाओ जल्दी। मुन्ना। हाँ भैया, हम यहाँ हैं। हटना। हाँ भैया, आ जाओ इधर आ जाओ। क्या खबर है भैया? गौरी शंकरवा राउंड पे राउंड लगा रहा था, खोज रहा था आपको। 500-600 लड़के होंगे भैया। अब घर जाना तो ठीक नहीं है, कहीं औराई जुगाड़ करना पड़ेगा। गौरी शंकर बहुत अपसेट लग रहा था। तुमको बहुत रोना आ रहा था क्या? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं। आप जो किए ठीक, एकदम सही किया। हम तो यही कह रहे हैं कि वो अब कुछ भी करेगा, उसके पास फोर्स ज्यादा है। हम तो कहते हैं भैया कि कुछ दिन के लिए आप गाँव चले जाइए। गाँव चले जाइए माने भाग जाए, सारे मारे लप्पड़ तुम्हारी बुद्धि खुल जाए। काहे भाग जाए भाई, फौज ज्यादा है तो भाग जाए। अबे तुम लोग गुरिल्ला हो, गुरिल्ला वार किया जाएगा। गुरिल्ला उरिल्ला पढ़े हो कि ना पढ़े हो? हाँ हाँ, एकदम झाड़ी के पीछे जंगल में अचानक आता है, अटैक करता है, फिर गायब हो जाता है। हाँ बस बस बस, हाँ वही वही। अबे वो साले गुंडे हैं, सरकारी गुंडे हैं, हम क्रांतिकारी हैं, तुम लोग गुरिल्ला हो। गुरिल्ला वार किया जाएगा, देख लें जो होता है सो। क्या बे? हाँ है? हीरोइन कौन है? माधुरी है, कोई नया है? सुस, सुस, दो तीन को तो हीरोइन है। भैया बाहर जाओ, छिद्रा दिए जाओगे। बंद हो, बंद हो क्या तुम सब? कब सीने में लो साला दम है। नहीं नहीं नहीं, पैर 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 नहीं, पैर नहीं, भैया तुम लोग हमें गौरी शंकर के ताप से बचा रहे हो? वो सारा औरत है, औरत उच्चनाल है सरकार की। अरे गौरी शंकर, अरे सामने साला, रात को चुपके से छुपके गया, गोली चला दी, गाय बकरी औरत बच्चा हो जाए, जो शांत हो जाओ। रणविजय शांत हो जाओ, हम तुमसे बड़े हैं भैया। हम रणविजय सिंह कसम खा के कह रहे हैं, हमारे गांव में जो लोग मरे उनकी तेरहवीं के दिन हम गौरी शंकर पांडे को मार देंगे। जाके बता दो, डेट याद कर लो, लिख लो, बोल दो, जितना मजा लेना ले ले। है मुन्ना, खोल ले, खोल। मार साला सीने पे गोली। ए गौरी शंकर पांडे, गाना गा रहे थे भगवान कसम, न तो मार दी जाते। I like artist। तो बद्री भैया तो अनाथ हो गए, अभी रोटी सब्जी कहाँ खाओगे? आप खिलाओगे? आप खिलाओगे ना? क्या? My daily bread। अरे हाँ, तुम लोग तो ब्रेड खाते हो। हाँ, हम लोग तो ब्रेड खाते। बद्री के साथ में रहना, वो सीम के पास जाए उसके साथ में जाना। हाँ? थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। कर लेते हो एक्टिंग? एक्टिंग कर लेते हो? गाना तो ठीक है, एक्टिंग होती है। हाँ, कर लूंगा। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। अब बद्री को क्या कहोगे? इतनी सारी गोलियां चली, तुमको एक भी ना लगी?
क्या कहोगे? देखे, बस 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 बस, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे राइट हैंड से खाओगे ना डेली ब्रेड। नाम थी, लेकिन बिरादरी के लिए हमने कहा कि भैया हम निभाएंगे, लेकिन आपके घर से हो गई गद्दारी, लड़की फुर हो गई। रणविजय देख, बहन जी हमें जरा एक मिनट आपस में बात करनी है, चलो बस एक मिनट। ठीक है सर, जाओ। चलो, कैसी बातें कर रहे हो रणविजय? अरे कैसा खानदान है आप लोगों का, अपने घर के दामाद के साथ ऐसा सलूक। शादी होने वाली थी आज शाम को हमारी, सारे रिश्तेदार वहां बराती बने बैठे हैं, हमने कपड़ा वपड़ा सिलवा लिए, सुबह से पहन के बैठे हैं, अब क्या कहे उनको कि हमारी दुल्हन भाग गई। रणविजय मामला अभी इतना नहीं, हमें शक है इन पे। खैर आपकी नाजो से बाली बनने को तो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन हम उसकी इतनी इज्जत नहीं कर पाएंगे, बहुत होगी इज्जत। अब हम उसे खिलौना बना के रखें। अरे ज्यादा जोश ना दिखाइए, वरना मंडप में आपको बिठा के घुमा देंगे, और कसम से हमको कोई रोक नहीं पाएगा। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? अरे ज्यादा फड़फड़ाइए नहीं, इस जोश को बचा के रखिए, लड़की को ढूंढने में लगाइए, वरना बारात लेके तो हम आ रहे हैं, और मुहूर्त के टाइम पे ही आएंगे, और किसी ना किसी को लेके जाएंगे, बता रहे हैं। चलो भाई। नमस्कार, तुम आए कैसे बे? पता नहीं कौन दुश्मनी निकाल रहा है हमसे, आपको गिरफ्तार करने भेज दिया। किसे भेज दिया? अब बताइए क्या हो रहा है। हम रणविजय भाई, हम कभी ऐसी घटिया हरकत, नीच हरकत जिंदगी में कभी करेंगे? कभी कभी नहीं करेंगे। किसे भेज दिया? मिनिस्टर साहब कमलनाथ तिवारी जी ने। कौन लगे दफा कौन लगी? 363 है, 366 है, 368 है, 503, 504 भी है। लड़की पर जोर जबरदस्ती से शादी करने का केस है रणविजय भाई। अरे लेकिन लड़की लड़की कहाँ है? मिनिस्टर साहब के पास। अरे राजनीति तो नहीं, उन्हीं के डायरेक्ट ऑर्डर से तो आना पड़ा है रणविजय भाई, नहीं तो आप बताइए, हम कभी जिंदगी में ऐसी ऐसी घटिया नीच हरकत करें? चल रहे चल रहे बेटा, चल रहे चल रहे चल रहे, आज हम चल रहे हैं। सोचा बुलाओ यार, खुद हमसे प्रोटेक्शन मांगा था, जबरदस्ती शादी कर रहे थे तुम। शादी कर रहे थे सरकार, जान से नहीं मार रहे थे, जैसा कि आपके लोगों ने किया, जिसके बारे में आपको पता था। क्या कर लोगे हैं? ऐसा है, मन तो कर रहा है आपकी सरकार गिरा दें। थोड़ा सा मुश्किल है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब जल्दी करो, क्या करना है, वक्त नहीं है मेरे पास। आपके तेवर इतने तीखे क्यों बे? साले कोई देख नहीं रहा, इज्जत बरकरार है अभी। कल सुबह तक अगर मेरी दुल्हन मुझको नहीं मिली ना, महामेले के अंदर बच जाएगा ये लाखों लोगों के सामने। फिर ना इज्जत रहेगी, ना सरकार रहेगी, फिर क्या करोगे? धंधा आपको चेंज करना पड़ जाएगा, राजनीति उसके बाद कर नहीं पाओगे। कल सुबह, फिर कल शाम को हमारी शादी है, आइएगा जरूर।